नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। आनंद फानन में करने लगा अंतिम संस्कार की तैयारी, भाई ने बहन के शरीर पर चोट देख बुलाई पुलिस। सरगुजा जिले में पत्नी की हत्या कर पति ने पूरे मोहल्ले में ये खबर फैला दी कि घर में गिरने से बीवी की मौत हो गई है। इसके बाद शनिवार को लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इसी बीच मृतका का भाई आया और बहन के शव पर चोट का निशान देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं आरोपी पति फरार है। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर शहर से लगे क्रांति प्रकाश पुरह लुचकी निवासी जिने कुजू 36 वर्ष और असना कुजू 34 वर्ष ने शुक्रवार रात को साथ बैठकर जमकर शराब की। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर जमकर विवाद हो गया। गुस्साए पति ने पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। शनिवार सुबह जब आरोपी का नशा उतरा तो उसने पत्नी के शव को देखा, इससे वो घबरा गया। मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों को गुमराह करने के लिए उसने लोगों से कहा कि पत्नी की गिरकर मौत हो गई है। इसके बाद रिश्तेदार और गांव वाले उसके घर पर पहुंचने लगे और अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाने लगी। मृतका के मायके वाले भी गंगापुर से बेटी के घर पहुंचे। यहां भाई प्रदीप ने बहन के शव पर चोट के निशान देखे। चेहरे पर भी गंभीर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। हत्या की आशंका पर उसने सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लाश का जायजा लेने पर पुलिस को भी मामला हत्या का लगा। मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया। इस बीच पुलिस को घर में देखकर आरोपी पति जिने कुजूर घर से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस का शक आरोपी पर पुख्ता हो गया। पुलिस ने तुरंत शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई करने के बाद शनिवार शाम को उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया। रविवार को शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मारपीट के कारण मौत की आशंका जताई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी पति फरार है, इससे भी हत्या की बात को ज्यादा बल मिल रहा है। पुलिस आरोपी पति की भी तलाश में जुटी है। परिजनों के बयान भी लिए जा रहे हैं।